हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल आर्यन जी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में फुल HD क्वालिटी का पोस्टर कैसे बनाएंगे, वो भी रामनवमी का। यदि आप भी इस प्रकार से पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताया जाएगा किस प्रकार से आप पोस्टर को डिजाइन कर सकते हैं और किस प्रकार के फॉन्ट को जो है ऐड करेंगे। सो गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यदि अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज रोज लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो है सिंपल से राइट साइड में 3 डॉट का चिन्ह देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर टाइप करना है और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद फ्रेंड्स, हमारे पास एक बैकग्राउंड है, हमें इस बैकग्राउंड को जो है ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है नेक्स्ट PNG को ऐड करने के लिए फिर से प्लस के चिन्ह पे टाइप करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से जो है PNG इमेजेस को ऐड करना है। इस PNG इमेजेस को ऐड करने के लिए हमें जो है थोड़ा इसे बड़ा कर देना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करके अब इसे लॉक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें जो है भगवान राम के PNG इमेजेस को ऐड करने के लिए फिर से प्लस के चिन्ह पे टाइप करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद हम जो है भगवान राम के PNG इमेज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इनके जो है PNG इमेज को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है थर्ड ऑप्शन पे टाइप करना है। थर्ड ऑप्शन पे टाइप करते ही आप लोगों के सामने यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर हल्का आपको इरेज कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है हमारा जो ये PNG है। तो आपको यहाँ पे इसे जो है फिर से लॉक कर देना है। अब ये इमेज कहीं पर भी इधर उधर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, हमें जो है यहाँ प्लस के चिन्ह पे टाइप करना है और एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, आप सभी देशवासियों को। यहाँ पे इसे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है इसे छोटा कर लेना है। इसे छोटा करने के बाद हम जो है फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपने उस फॉन्ट को ऐड कर लेंगे जिस फॉन्ट के माध्यम से हमें जो है एडिटिंग करना है। यदि आप लोगों के पास भी कुछ इस प्रकार से फॉन्ट है तो आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड किया जाता है तो आप हमारी इस वीडियो को अभी तो आप हमारी इस चैनल को अभी चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम जो है फॉन्ट से संबंधित वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम जो है ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। न्यू टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे जो है अपने यूनिकोड पैड से निकाले हुए यूनिकोड को यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और अपने उस कैलिग्राफी फॉन्ट को जो है हमें चूज कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है रामनवमी लिखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से फॉन्ट को जो है हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे फ्रेंड्स। नीचे करने के बाद हम जो है इसके कलर को चेंज कर देंगे। कलर को चेंज करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है बढ़िया दिखने लगा है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो है इसे भी लॉक कर देना है। अब इसे लॉक करने के बाद हमें जो है फिर से यहाँ पे टाइप करना है कि हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हमें ओके कर देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो है पूरा बढ़िया से दिखने लगा है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा और भी एडजस्ट कर देंगे फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो है अपने इस वाले फॉन्ट को भी इधर उधर एडजस्ट कर देते हैं। सो गाइस, इसके बाद हमें जो है फिर से प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करना है और फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और अपने फोटो की इमेज को जो है हमें ऐड कर लेना है। जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया है उस वाले जो है फोटो को हम ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ कोने पे लगा देंगे
जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स हम इसे भी लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें प्लस के चिन्ह पे टाइप करना है और एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। न्यू टेक्स्ट को लेने के बाद फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देना है। यहाँ पे नाम जो है आप इंग्लिश में या हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमने अपने नाम को टाइप कर दिया है। हम फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपने किसी भी फॉन्ट को यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है हमें और एकदम लास्ट में जाके अपने फॉन्ट को जो है जिस फॉन्ट के माध्यम से अपने नाम को लिखना चाहते हैं उस फॉन्ट को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है और साइज वाले ऑप्शन पे जाना है। अपने नाम के साइज को कुछ इस प्रकार से छोटा कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हम अपना पूरा नाम टाइप कर दिया। अब हम इसे यहाँ नीचे की तरफ लाके एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, वो आप अपने मन मुताबिक किसी भी कलर में इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं हमारा नाम जो है ऐड हो चुका है। यदि आप इसे चाहते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने इस फॉन्ट को जो है थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा। यदि आपको पासवर्ड मिल गया है तो आप फटाफट हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको जो है PLP फाइल डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। वहां से आप अपने इस PLP फाइल और ऑल मटेरियल्स PNG को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा। आप उस पासवर्ड को डालकर इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।